कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस क्षेत्र में पहुंचे जहां के बीजेपी विधायक के बेटे ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। हटा में सिंधिया ने अपनी सभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की सियासी पिक्चर में कांग्रेस के योद्धा बनकर किला लड़ा रहे लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दमोह जिले की हटा विधायक उमा देवी खटिक के बेटे से गोली मारने की धमकी मिलने के बाद हटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक के बेटे की धमकी को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं सिंधिया ने राम मंदिर को लेकर भी खूब निशाना साधा और कहा कि भाजपा बहरूपी है और मंदिर के नाम पर वोट वोट वसूलती है। बिजलियां गिराने की हमारी भी जिद है, आसियां भी वहीं बनाने की। टकराना जरूरी है, असूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो मेरी पन्ना और पवई की जिंदा जनता, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इस सवाल के पहले भाजपा ने मेरे ऊपर गोली मारने की हमला करने का धमकी दी थी। मैं भाजपाइयों को बोलना चाहता हूँ, सिंधिया परिवार का मुखिया हूँ, सिंधिया परिवार का मुखिया न कभी पहले झुका है न कभी झुकेगा। मेरे लहू का एक एक बूंद मध्य प्रदेश प्रगति के लिए। आपकी आवाज इस छाती में जितने भी दम है, इस शरीर में जितना भी खून है, आपके लिए समर्पित रहेगा और मध्य प्रदेश का झंडा बुलंद करने के समर्पित रहेगा। वहीं सिंधिया ने राम मंदिर को लेकर भी खूब निशाना साधा और कहा कि भाजपा बहरूपी है और मंदिर के नाम पर वोट वसूलती है। वहीं सिंधिया ने गाय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा के राज में गाय की सबसे ज्यादा हालत खराब है। कांग्रेस की सरकार बनी तो एक एक पंचायत के दो गौशालाएं बनाई जाएंगी। और आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म के बारे में कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, एक नंबर के ये लोग बहरूपी हैं, लोगों का इस्तेमाल करने जानते हैं, भावनात्मक मुद्दे डालकर अपने वोट वसूल करने की कोशिश करते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता जागना होगा आपको। एक संग्राम हमने लड़ा था राजनीतिक आजादी के लिए, आज संग्राम लड़ना है मध्य प्रदेश की जनता अपनी आर्थिक आजादी के लिए। एक है वहां मोदी जी, दूसरे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी और तीसरे हैं मेरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े मोदी जी। आज रास्ते में मैं देख रहा था, गौ माता की बात मुकेश जी ने की, कहां है मेरे वो गौ रक्षक जो इस देश के इंसान का खून करते हैं, लेकिन गौ माता जो मेरी एक एक भटक के सड़क पर बैठी हुई है, कोई रक्षा करने के लिए नहीं आता, कोई देखभाल करने नहीं आता। ट्रक मेरी गौ माता के ऊपर चल के चली जाती है लेकिन कोई भाजपाई गौ रक्षक नहीं आता उनको बचाने के लिए। कांग्रेस की सरकार नवंबर में बनेगी, एक एक जिला पंचायत में गौशाला हम बनाएंगे और गौ की रक्षा करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार अभियान की कमान लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उन्हीं मुद्दों पर भाजपा को घेर रहे हैं जिनकी बदौलत वो सत्ता पर राज करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दमोह।